मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं आपका छोटा भाई संजय फिर आप सबके बीच में आया हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया से, और प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को लेकर के आया हूँ, जिससे आप सब प्रभु यीशु मसीह के वचन से आशीष को पा सके और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सके, जिससे प्रभु आप सबको जीवन में ढेर सारी खुशी को ला सके। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारा आपका जीवन में बदलाव आता है। हमारा आपका जीवन है जो प्रतिदिन का दिनचर्या है, जे उसमें जो परमेश्वर को वचन को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आपका जीवन है जो परमेश्वर को हाथों में समर्पण का जीवन होता है। सो मेरे प्रियो, आज का कुछ ऐसे पवित्र वचनों को, परमेश्वर के वचनों को आप सबके बीच में लाया हूँ, जो आप घर से जब आप निकलते हैं, घर से कहीं भी काम पे आप निकलते हैं, चाहे आप दफ्तर को निकलते हैं, चाहे किसी भी कामों को, आप व्यापार को, बिजनेस को, या किसी काम को आप करते हैं, उसके लिए आप निकलते हैं घर से, तब मेरे प्रियो आप इन वचनों को आप पढ़ करके, प्रार्थना करके आप निकलिए। परमेश्वर पिता आपको हर एक कामों में है जी सफलता देगा। परमेश्वर पिता हर कामों में आपको अगुवाई करेगा। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं बाहर को, तो नाना प्रकार के रुकावटें होते हैं, नाना प्रकार के परेशानियां होती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि कभी कभी हम काम पे जाते हैं, थोड़ा लेट होने के कारण है जी बॉस का डांट सहने पड़ता है, उनके है जी हर एक बातों को सुनने पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता में जा रहे हैं, टाइम से यातायात की सुविधा में प्रॉब्लम होता है, गाड़ी नहीं मिलने पर हम लेट पहुंचते हैं। तो इन सारी बातों को जब हम प्रभु के ऊपर सौंप करके, जब हम प्रार्थना कर करके, इन वचनों को जब पढ़ करके हम निकलते हैं, मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा आपका शक्ति और ताकत है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं, तब उनके वचन को जब हम पढ़ करके, विश्वास करके, प्रार्थना करके जाएंगे, तब मेरे प्रियो आपको जरूर है जे प्रभु हर कामों में है जे वो सफलता देगा। जैसा कि आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बाइबल के वचन से देखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो मेरे साथ आप निकालिए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के 1 से लेकर के 10 पद में पाएंगे, तो उसमें कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि आप अगर उनकी सारी बातों को आप मानते हैं और उनकी बातों को आप अपने जीवन में हजे चौकसी कर करके, यानी उसे हजे अपने जीवन में हजे सतर्क हो करके उसे आप पूरा करते हैं, और चीत लगा करके ध्यान से आप उसे सुनते हैं, और उनके हर एक बातों को आप है जे ध्यान से सुन करके करते हैं, तब परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी पर के जितने भी जातियां हैं सब में मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। तब मेरे प्रियो ये है जे वचन को हमेशा पढ़ें और मन में हमेशा जे मनन करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको हो जे पृथ्वी के सब जातियों में सबसे श्रेष्ठ करूंगा। जैसा कि मेरे प्रियो 2 आयत में पढ़ते हैं, वचन कहता है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, और ये आशीर्वाद आप पे ऐसे ही पूरा नहीं होगा, बशर्ते जब आप परमेश्वर के हर एक बातों को, उनकी शिक्षाओं को और उनकी आज्ञाओं को, जब उनके वचनों में आप चलते हैं, तब ये सारी बातें हैं जे आपको पूरा होता है। जैसा कि 3 आयत में कहता है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मेरे प्रियो, धन्य परमेश्वर वैसे लोगों को कहते हैं जो उनकी शिक्षाओं में चलता है, जो उनकी बातों में चलता है, और वो कहते हैं कि चाहे तू कहीं भी रहेगा, या तो तू नगर में भी रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा, तुझे सुरक्षा करूंगा, या तो तू खेत में काम भी करते रहेगा तो वहां भी हजे तेरी सुरक्षा मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के हम नजर में आप धन्य हैं, आप उनकी शिक्षाओं में चलते हैं, इसीलिए प्रभु आपको धन्य कहता है। जैसा कि 4 आयत में कहता है धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है
कि जितने भी आप कारोबार करते हैं, या तो खेती करते हैं, या तो आप गाय बकरी भेड़ बकरी पालते हैं, पशु पालते हैं, या आपके बच्चे हैं घर में, या तो आप कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, सब महज परमेश्वर का आशीष और बरकत आपके बीच में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे धन्य कहा है। जैसा कि 5 आयत में कहता है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। 6 में कहता है, धन्य हो तू भीतर जाते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यानी आप घर में भी हैं तो आपको परमेश्वर सुरक्षा करने के लिए कहता है कि तू धन्य है, और जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर भी आपको परमेश्वर सुरक्षा करने के लिए कहता है, हर समय आपको सुरक्षा के लिए। जैसा कि 7 आयत में कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। और मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करके जब निकलते हैं घर से बाहर, चाहे जो भी काम आपका हो, तो आपके ऊपर कितनों भी शत्रुता लोग हो, या कितनों भी दुश्मन हो, या तो अंधकार के दुश्मन हो जो हम आप देखते नहीं, अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हो, या तो सांसारिक शक्तियां आपके जीवन में दुश्मन हो, सबसे परमेश्वर कहता है कि सुरक्षा करेंगे। अगर वो आएगा भी तो वो है जो भाग जाएगा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हम आपके जीवन में करता है। 8 आयत में कहता है, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और मेरे प्रियो, आप जितने भी कामों में आप हाथ लगाओगे उसमें परमेश्वर ने कहा है कि बेटा मैं तुझे आशीष दूंगा, और तू जहां कहीं भी है जे तुम रहोगे, जहां मैं तुमको रखा हूं वहां भी मैं तुझको आशीष दूंगा। जैसा कि 9 आयत में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम मेरे हर बातों को तुम मानते रहोगे और मेरे शिक्षाओं में बने रहोगे, आगे चलते रहोगे, मेरे मार्गों में चलते रहोगे, तो वो कहा है कि मैं जो तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी के तुम्हारे लोगों से शपथ खाया है, वो मैं पूरा करूंगा। जैसा कि 10 में कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, इन वचनों को आप पढ़ें और पढ़ करके निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर कि तू मेरा कहलाता है, वो लोग है जो तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो डर जाएंगे, क्योंकि आप उनके हाथ में हैं जो सारी दुनिया का सृजनहार है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, सारी दुनिया का मालिक है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता ने कहा है कि सारे लोग है जे मेरे नाम, क्योंकि तुम मेरे कहलाते हो, इसलिए है जे वो डर जाएंगे। तो मैं आप सब से यही हम कहना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकले, आप 5 मिनट समय निकाल करके आप इन वचनों को पढ़ लें और प्रार्थना कर लें, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर पिता उन कामों में आपको सफलता देंगे और आपको आशीष देंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आज का जो परमेश्वर का वचन है उससे आपको परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। तो आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे का जो भी हम नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको जय मसीह की।